नई पीढ़ी को पश्चिम और पाश्चात्य संस्कृति लुभाए तो ये बुरा नहीं है। कोई कहीं नहीं जा रहा है, समझ गए तुम लोग? जागरण सब लोग अटेंड करेंगे। अगर हम आपके वो जागरण में आए तो आप जो हमें समझाने की कोशिश कर रही हैं वो हम समझ जाएंगे। पर क्या भारतीय संस्कृति की महक के बिना उनका जीवन अधूरा नहीं है? इस सवाल ने वंदना को बुरी तरह से सताया, पर जवाब देने के लिए राजेश ने अनोखा रास्ता दिखाया। वंदुरानी, अच्छा कौन सी दरी बिछाएं? जरा आओ ना, जरा हेल्प करो। राज, मैं आसन सुखा रही हूँ, प्लीज तुम डिसाइड कर लो। नमस्कार सर। अरे हाँ, ये आपका सामान। हाँ, थैंक यू। साहब, साहब वो जोशीपुरा साहब से बोलिए ना, वो महाशिवरात्रि के लिए हमको। महाशिवरात्रि को छुट्टी नहीं दे रहा ना वो राक्षस आपको? जी सर, मैं बात करता हूँ। जाइए जाइए, अभी फोन करता हूँ। ओहो, शैतान का नाम लिया और शैतान का फोन आ गया। 100 साल जिएगा खामखा ये दक्षेश। हाँ, अच्छा दक्षेश भाई। राजेश भाई, देखिए वो बालकनी में अधोवस्त्र नहीं सुखाए दक्कू भाई, महाशिवरात्रि पे जागरण में बैठने वालों के लिए जो आसन मंगवाए थे ना, उन्हें धोकर सुखाया है। सो प्लीज अपना प्रवचन शुरू मत कर देना। आप बन्ना भाभी की तरफ फोन घुमाइए। दक्कू भाई, उल्टा मैंने तो बन्ना भाभी की तारीफ करने के लिए फोन किया। कितने सुंदर और रंग बिरंगे आसन सुखाए हैं वन्ना भाभी ने बालकनी में। जैसे बाला में कोई मोती पिरोता है ना रंग बिरंगे, बिल्कुल वैसे। लोग नीचे आकर देखेंगे तो उनका मन प्रसन्न होकर खिलखिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रसन्न होकर खिलखिल उठेंगे। जैसे ये हमारी जो सोसाइटी है, साई दर्शन हाइट सोसाइटी, ये हॉलीडे डेस्टिनेशन है ना, कि कोई जिगर भाई आकर बोलेंगे, अरे प्रवीणा वो 8th फ्लोर की बालकनी तो देख। तो प्रवीणा बोले कि कहां? कहां, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे वो 5th फ्लोर पे वो स्टेज अनाउंसर जैसा प्राणी है ना प्रवीणा, ठीक उसके ऊपर। अरे हाँ हाँ हाँ, वो जो अभी बोला रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न कर रहे थे फूल्स, वो ना। हाँ, अभी ठीक उसके ऊपर देखना 8th फ्लोर पर वो जो, अरे देखो तो कैसे कलरफुल आसन सुखाए हैं। हाँ जिगर कितना फाइन है ना। वन्ना भाभी, आपके साथ रह के ना हास्य रस के बाण अच्छे से चलाना सीख गए हैं ये सुस्क और निरस्त प्रजाति के प्राणी राजेश भाई। इसका क्रेडिट भी तुम ही दे रहे हो। अच्छा दक्षेश भाई, वो जो हमारे तिवारी है वो... ओ माय गॉड, ये पानी किसने फेंका? सही दर्शन हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन पे जल बरसा जैसा सेकंड क्लास काम किसने किया? अभी तो यामिनी भी यहाँ नहीं है। यामिनी भी नहीं है यहाँ, मतलब यामिनी होती तो ऐसे आपके सर को तौलिया से लपेट कर मेरे दक्कू का ठंड ना लग जाए ऐसे कहके ले जाती। अच्छा एनीवे, पानी गिर गया तो हैप्पी होली इन एडवांस, और वो तिवारी की छुट्टियां वो दे देना उसको। कातिया, अथर्वा, पक्का अथर्वा, 100% अथर्वा ने पानी फेंका होगा। हो ही नहीं सकता, अथर्वा 2nd फ्लोर पर मम्मी के घर में पैकिंग सिखा रही है मम्मी उसको। पैकिंग? तू क्या कर रहा है अथर्वा, ठीक से फोल्ड कर, क्या कर रहा है तू? दादी, टी शर्ट को पहनने के लिए हमें टी शर्ट को अनफोल्ड करना होता है, फिर फोल्ड करने की क्या जरूरत? सिलवटे पड़ जाएंगी ना, ऐसी टूटी मुटी शर्ट पहनेगा तू? सखी दीदी है ना, वो मुझे विराज अंकल के घर पे कपड़े इस्त्री करके दे देगी, सिंपल। मैं आया नहीं हूँ तेरी। सखी दीदी करके देगी। अच्छा सुन, विराज ने बताया कि तुम लोग ना टैक्सी से पहले दादर में उसके घर जाओगे, उसके बाद वो तुम्हें एलिफेंटा केव्स लेके जाएगा, वहां से तुम लोग आने के बाद विठोबा में जाके पानीपुरी और भेलपुरी खाना। पानीपुरी विठोबा पे जाएंगे? हाँ। फिर तो मैं टूटी मोटी टी शर्ट क्या, मैं तो गंदी टी शर्ट भी पहन लूंगा तो भी चलेगा। क्यों? चटनी गिर जाती है ना, और जब मैं पानीपुरी खाता हूँ तो पूरी फिर फुट के पानी मेरे टी शर्ट पे गिर जाता है। तू ना सिर्फ पतलून पहन के जा। हा? ओके। सलमान वागले, में लड़का, एक बार मैंने होमवर्क ना करने की कमिटमेंट कर दी, फिर तो मैं अपनी टीचर की भी नहीं सुनता। ड्रामेबाज है तू। रुक, मम्मी का फोन है। हाँ वंदना बोल। माँ, सखी और अथर्वा को ऊपर भेज दीजिए ना प्लीज। अरे मैं अथर्वा को पैकिंग करना सिखा रही हूँ। अच्छा, पर प्लीज थोड़ी देर के लिए ऊपर भेज दीजिए। अच्छा ठीक है, ओके जाओ।
मम्मी बुला रही है। माँ से पैकिंग करना सीख रहे हैं, अनपैकिंग करना इनको मैं सिखाऊंगी। दिस इज नॉट फेयर वंदु, तुम जो कर रहे हो वो फेयर है। तुम्हें पता है ना कि महाशिवरात्रि मेरे लिए कितनी स्पेशल होती है, फिर क्यों परमिशन दी उनको विराज भैया के यहाँ जाने के लिए? एक मिनट, एक मिनट। जब अथर्व गार्डन में खेलने जाता है तुमसे पूछ के, तब तुम मुझे पूछ के या मुझे बता के उसे भेजती हो? गार्डन में खेलने जाना और महाशिवरात्रि का जागरण, ये दोनों सेम चीज होती है क्या? नहीं। तो फिर सॉरी, मैं बच्चों को मना करता हूँ। मैं समझा दूंगी, तुम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, मैं टिफिन देती हूँ। वैसे वही नहीं, एकदम सही बोल रही है। घर पे महाशिवरात्रि का जागरण छोड़ के आप लोग बाहर कैसे जा सकते हो बच्चों? पर क्यों नहीं जा सकते मम्मा? मम्मी, विराज अंकल हमें एलिफेंटा केव लेके जाने वाले हैं। और हम जाएंगे। कोई कहीं नहीं जा रहा है, समझ गए तुम लोग? जागरण सब लोग अटेंड करेंगे। ओ कम ऑन मॉम, हम लोग बोर हो जाएंगे। हर चीज ना तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती है सखी, कुछ चीजें हमारी भावना से, हमारी संस्कृति से भी जुड़ी होती है। हमारे ट्रिप पे भी है ना संस्कृति और भावना, विराज अंकल की बेटी भावना और सत्यम अंकल की बेटी संस्कृति। डोंट एक्ट स्मार्ट अथर्व। मॉम, आई एम नॉट एक्टिंग, आई एम बोर्न स्मार्ट। अच्छा मॉम, एलिफेंटा में ना त्रिमूर्ति है, शिवलिंग है, तो एक तरह से जानती हूँ कि वहाँ अर्धनारीश्वर की मूर्ति है, शिव पार्वती की मूर्ति है, सदाशिव, नटराज, गंगाधर, योगेश्वर, कल्याण सुंदर मूर्ति और रावणा अनुग्रह की भी मूर्ति है, सब पता है मुझे। हाँ तो यही हमारी संस्कृति है ना। और डैडी ने टैक्सी भी बुक करवा ली है। और मैंने टैक्सी कैंसिल भी करवा दी। व्हाट? व्हाट? व्हाट डिड यू से? यस मॉम, दिस इज नॉट डन। हम जाएंगे, मतलब हम जाएंगे। जाना है? यस yes. ठीक है, तुम लोगों के मन में जो आए वो करो, माँ का मन क्या चाहता है ना ये कभी मत सोचना। दिखा प्लीज मॉम, अब ये इमोशनल प्ले मत करना, हम आपके जैसे धार्मिक नहीं है। फिर बात धार्मिक होने या नहीं होने की नहीं है सके, त्योहार साथ मनाने के लिए होते हैं, इसीलिए उन्हें त्योहार कहा जाता है। तो हमेशा साथ ही तो मनाते हैं ना मॉम, और एक बार नहीं मनाया तो इट्स नॉट अ बिग डील। इट इज अ बिग डील सखी, तुमको वैलेंटाइन्स नाइट पे बाहर जाना था तो बजट के बाहर होने के बावजूद हम लेकर गए। अगर वेस्टर्न फेस्टिवल्स मनाना जानते हो तो अपने देसी फेस्टिवल्स भी मनाना सीखो। पूजा में बैठने के नाम पर तुम लोग का शुरू हो जाता है कि हम बोर हो जाते हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं। ये सब अब बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी संस्कृति, संस्कृति के बारे में बताया ना मॉम। इधर बेटा, तुझे अर्धनारीश्वर का मतलब पता है? चल, महाशिवरात्रि का इम्पोर्टेंस ये जानता है तू? यस, यू नो दैट भगवान शिव जी का जन्मदिन। हे भगवान। हाँ, हे भगवान ऐसे। बेटा, भगवान शिव भोले शंकर असीम है, अनंत, इन्फिनिट, जिनका ना कोई आरंभ होता है ना कोई अंत। ओके ओके, एक बात बताइए मॉम, अगर सपोज इफ हम आपके वो जागरण में आए तो आप जो हमें समझाने की कोशिश कर रही हैं वो हम समझ जाएंगे? बिकॉज आपने हमें कभी बताया ही नहीं शिवरात्रि का इम्पोर्टेंस क्या होता है, फिर अब उम्मीद ही क्यों कर रहे हैं कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए? पॉइंट है, अभी आपको दी के पॉइंट पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। वही नहीं, सवाल तो बिल्कुल सही पूछा है सखी ने वंदना। I know, मेरी तो बोलती बंद कर दी। सच कहूं तो साथ में एहसास भी दिलाया कि गलती तो मेरी ही है, मैंने कभी बच्चों को शिवरात्रि के इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं बताया। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ तुम्हारी नहीं वंदु, हम दोनों की गलती है। हमारे बचपन में हमारे माता पिता ने हमें पंचतंत्र, जातक कथाएं, उपनिषद, रामायण, महाभारत, शिव महिमा की कहानियां सुनाई थी। वो कहानियां सुनते सुनते हम बड़े हुए और हम निरादर। मैं अथर्व जब भी मेरे पास आता था और कहता था ना कि डैड कोई स्टोरी सुनाओ, तो मैं हमेशा वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ जायंट ऑन अ बीनस्टॉक से शुरू करता था। मतलब कई सालों पहले की ये बात है का वंस अपॉन अ टाइम बन गया, वो हमने किया। बच्चों का क्या दोष? राज, वंस अपॉन अ टाइम में कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर वो शुरुआत हमारे कई साल पहले की बात है का अंत करते, हाँ तो प्रॉब्लम जरूर है। तो करना क्या है? क्या कर सकते हैं? उनके सवालों का जवाब अगर हमारी परवरिश में है ही नहीं
तो हमें उनको रोकने का हक भी नहीं है ना राज? नो नो बंधुरानी, यू आर टेकिंग टोटली रॉन्ग. क्या? ये पूजा पाठ, जागरण, व्रत, ये सब बच्चों के लिए मजेदार भी तो बन सकता है ना. अगर इन सब चीजों में से उन्हें आनंद मिलना शुरू हो जाए तो इन्हें वो कभी मिस नहीं करना चाहेंगे. कैसे कैसे पॉसिबल होगा? इसको पॉसिबल करने का एक आइडिया है मेरे पास. क्या आइडिया है सर? क्या आइडिया है? है ना, क्या आइडिया है? मैंने बताया नहीं अभी तक आइडिया. ए दासानी, तू क्या दिमाग पढ़ सकता है लोगों का? सर आप अपना आइडिया बताइए. हाँ, तो इस गुरुवार शाम को महाशिवरात्रि का जागरण है मेरे घर पर और आप सबको आना है. श्योर सर, मैं तो हर साल महाशिवरात्रि का उपवास भी रखता हूँ सर. फैंटास्टिक, इस साल हम साथ में छोड़ेंगे उपवास. हर हर महादेव सर. अच्छा भाई, तभी मुझे ना आप लोगों से थोड़ी हेल्प चाहिए. भवरी? भवरी नहीं, गुनगुन. हाँ गुनगुन. अच्छा सुन, ये ना माला है वहाँ बाबा की फोटो के पास है. जा जा जा, जूता उतार बेटा. हाँ शाबाश. नहीं हम नहीं जाएंगे. अरे चलो ना भगवान हमारे साथ, चलो चलो चलो. बहुत लोग हैं. चलो ना. राधिका आंटी, ये देखिए मेरी साड़ी, शिवरात्रि के लिए स्पेशली जयपुर से मंगवाई है. बहुत सुंदर है. सखी को क्या हो गया? ओए अरे तिवारी, क्या बात है, बहुत अच्छा किया बच्चों को और बीवी को लेके आए. जी जी. देखो वंदना ने कहा है कि सबसे आगे जाके बैठना है. हा? लेकिन तिवारी जी, आप तो महादेव मंदिर जाने वाले थे ना अपने परिवार को लेकर. पर वो वंदना भाभी हमसे बोली थी कि अगर मंदिर ना जा पाओ तो यहाँ आ जाना नाटक देखने. लेकिन दादी, आज नाटक में होने क्या वाला है? हाँ दादी बताओ ना. सबको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, बस ध्यान से देखना. ओके अथर्वा. ओके. क्या हुआ? मेरी सखी नहीं हंस रही, क्या बात है? ओ सखी, तुम क्या मेरी थ्री बेडरूम हॉल किचन वाली भाभी की तरह ऐसे मुंह फुला के बैठी हो सेट सेट? अपने मम्मी पापा को अपनी बात समझाने का एक मौका तो दो. देखो बच्चों, ये नाटक देख के अगर तुम लोगों की सोच नहीं बदली ना तो फिर मेरी तरफ से 500 रुपए की कुल्फी. हा? बदलेगी राधिका आंटी, बिल्कुल बदलेगी. और अगर नहीं बदली ना तो मेरे तरफ से 2 लाख की कुल्फी. है? 2 लाख की कुल्फी? हाँ, मतलब मैं चांदी की कटोरियों में खिलाऊंगी ना, और कटोरी फ्री. सुना बच्चों, ध्यान से देखना नाटक. महाशिवरात्रि अर्थात भगवान महादेव, अनंत असीम निर्गुण सगुण भोले शंकर को समर्पित रात्रि. क्या जानते हैं हमें अद्भुत अलौकिक रात्रि के बारे में? क्या महत्व है देवों के देव महादेव का एक आम आदमी के जीवन में? इसकी एक छोटी सी झलक इस नाटिका के माध्यम से. अमृत मंथन. देवों और दानवों ने जब समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त करना चाहा तो पहले सागर की गहराई से विष ऊपर आया. विश? As in birthday wish? Huh? अरे नहीं, poison, poison. अच्छा अच्छा, विश. अरे देवगणों, ये विष तो हमें खलास कर डालेगा. क्या करे, क्या करे ये विष का? विष से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है देवगण. अच्छा लग रहा है. हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव. इस विष से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा. राजेश भाई, पीजिए पीजिए, बिंदास. शरबत है. अच्छा. तो मेरा सिक्स बेडरूम हॉल किचन वाला भाई है ज्योति, ना ज्योति, बाद में बताना. हाँ अभी अभी देखने देना, जा बैठ. ओले बाबा की, ओले बाबा की, ओले बाबा की. हे देव दानव और विश्वकन्या, प्लीज एक्सक्यूज मी. हे महादेव, हम साधारण मनुष्यों के जीवन में इस विषपान का क्या अर्थ है? संतान को जीवन में आनंद मिले, उसके जीवन में अमृत खुले,
कभी कभी उसके लिए माता पिता को विष भी ग्रहण करना पड़ता है। तभी तो जब मेरी नौकरी चली गई थी तो राधिका को विषपान करना पड़ा था, है ना राधिका? क्या कर रहे हैं, नाटक चल रहा है। पापा की जॉब चली गई थी और उसमें से एक साल तो इतना बुरा था, लेकिन फिर भी मम्मी हर रोज विदाउट फेल टिफिन बॉक्स देती थी, लेकिन एक बार तो ऐसी नौबत आई ना कि रोज का अनाज, रोज की दाल, रोज की सब्जी खरीदनी पड़ती थी ना, और फिर पापा ने पकड़ा मम्मी को, तब मम्मी हम लोगों के लिए दाल सब्जी बनाती थी खुद, सिर्फ चावल और प्याज खाती थी। एक दिन भगवान ब्रह्म और भगवान विष्णु के बीच बहस छिड़ गई कि उन दोनों में बड़ा कौन। उनके बीच था अग्नि का अनंत अनल स्तंभ। मैं वराह का रूप लेकर पाताल लोक तक गया था इसका अंत ढूंढने, पर वो तो अनंत है भगवान ब्रह्मा। मैं सही दर्शन मैं हंस का रूप लेके अंतरिक्ष तक हो आया प्रभु और इसका आरंभ ढूंढ निकाला, तो उस हिसाब से आपके मुकाबले तो मैं ही बड़ा हुआ ना भगवान विष्णु। मेरा अनल स्तंभ अनंत है इस सृष्टि, इस शून्यावकाश की तरह, ना कोई आरंभ और ना कोई अंत। आपने मिथ्या वचन करके अच्छा नहीं किया भगवान ब्रह्म, इसीलिए धरती पर पूजन होगा सिर्फ भगवान विष्णु का, सत्य वचन करने वाले भगवान विष्णु। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हे ऑनरेबल ब्रह्मा जी, प्लीज एक्सक्यूज मी, लेट मी गो। हे महादेव, कृपया हमें ये बताएं कि इस ब्रह्मा विष्णु लीला का हम साधारण मनुष्यों के जीवन से क्या संबंध। सामान्य मनुष्य के जीवन में इसका अर्थ ये है कि झूठ का सहारा आपको प्रसिद्धि अवश्य दिला सकता है, लेकिन सम्मान और प्रेम अगर मनुष्य चाहता है तो उसे सिर्फ सच का साथ देना होगा। छल कपट और असत्य का प्रयोग करने वाला दंड का पात्र होता है, समझे पापा? सॉरी पुत्र श्रीनिवास। हर हर महादेव। अथर्वा, हर हर महादेव। आपकी धार्मिक भावना को अथर्व ने ठेस पहुंचाई है तो उसके लिए उसे सबक तो सिखाना पड़ेगा। तुम्हें घर का और स्कूल का टॉयलेट साफ करना ही होगा। मैं नहीं करूंगा। I will not do it. अगर अथर्व अपना पनिशमेंट पूरा नहीं करता है तो मैं करूंगा। मैं करूं? मैं और तुम, हम दोनों मिलकर साफ करेंगे। महाशिवरात्रि का एक और पावन अर्थ, देवी पार्वती और प्रभु महादेव का विवाह, अर्ध नारीश्वर का स्वरूप। अरे बंधु, बहुत सुंदर लग रही है। हाँ हाँ। तुम्हें शर्माना नहीं है, तुम नंदी हो। अब सॉरी सर। हर हर महादेव। तारं संसार सारं भुजगेन्द्र हारं कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्र हारं। कर्पूर गौरार्ध शरीर काय।
परमेश्वर। हे प्रभु, आपके इस रूप से हमें क्या सीखना चाहिए? ये देवी पार्वती बताएंगी। जो मेरा आधा अंग है, मेरा हृदय है, मेरी शक्ति है, अर्धनारीश्वर। आज मेरी लाइंस थी। सॉरी। अर्धनारीश्वर का अर्थ है कि नर और नारी एक समान है, जब पति पत्नी एक दूसरे का आदर करें, तन मन से एक होकर अपनी गृहस्थी संभाले, तभी वो गृहस्थी सुखमय हो सकती है। नो पता बच्चों, अगर मुझे मेरी जॉब पसंद नहीं आती है तो मैं उसे छोड़ सकता हूँ, राइट? किसी नई कंपनी में नए लोगों के साथ काम कर सकता हूँ। लेकिन जो होम मेकर होती है ना, जो गृहिणी होती है, उसके पास ये ऑप्शन नहीं होता। उसे जिंदगी भर वो जॉब निभानी होती है और उसे कोई थैंक यू भी नहीं कहता। सो वंदना, थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड मम्मी, डैडी सुपर। कम कम। राजू और वंदना का अर्धनारीश्वर रूप पसंद आया ना? बहुत। फिर से विवाह हुआ इनका। डैडी, मम्मा, मुझे तो एलिफेंटा केव से भी ज्यादा मजा आया। अभी वो नेक्स्ट फेस्टिवल कौन सा है जिसे मैं चैम बोलता हूँ? तुम तो खुश हो, ये तो हम समझ गए, लेकिन सखी का चेहरा अभी भी नेचुरली। डैड, ये तो सिर्फ महाशिवरात्रि का इम्पोर्टेंस समझाया, तीज, वट सावित्री और नारायणी पूर्णिमा, इन सब का हमारी लाइफ से क्या कनेक्शन है, ये कौन समझाएगा? ये भी आपको ही समझाना पड़ेगा और अगली बार हम भी हिस्सा लेंगे, राइट अथर्वा? यस। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दासानी, चंदू, पुनीत। महादेव की महिमा समझाकर राजेश ने संस्कृति का बढ़ाया सम्मान। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।